हे गाइस, वेलकम टू फैक्ट लूप वेयर यू नो एवरीथिंग यू नीड टू नो। गाइस, आपने मेवाड़ की शान कहलाए महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा। आखिर किस तरह उन्होंने किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया और अपने वतन के लिए अंत तक लड़ाइयां लड़ी। सो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिम। महाराणा प्रताप की कुल 11 पत्नियां थी, जिसमें महारानी अजब दे पंवर उनकी सबसे चहीती थी, और उनकी 11 पत्नियों से उन्हें 5 बेटियां और 17 बेटे थे। ये नंबर्स हर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में वेरी करते हैं। महाराणा प्रताप की हाइट 7 फीट 5 इंचेस थी। महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली हैं, इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि वो युद्ध के मैदान में कुल 360 किलो का वजन कैरी करते थे, जिसमें 80 किलो का तो सिर्फ उनका भाला ही था, और 208 किलो के 2 तलवारें और 72 किलो का उनका आर्मर, और उनका खुद का वेट 110 किलो से ज़्यादा था। महाराणा प्रताप अपने पिता महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, कुल 32 बच्चों में, और उनके पिता ने ही उदयपुर को ही बसाया और खोजा था। ऐसा कहा जाता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के मेंबर बहलोल खान को अपने तलवार से उसके घोड़े समेत 2 अलग अलग टुकड़े कर दिए थे, और वो भी बीच में से। ये अकबर का सपना था कि वो महाराणा प्रताप को पकड़े और उन्हें बंदी बना के रखे, लेकिन अफसोस यह कभी भी सफल नहीं हो पाया। जबकि कई राजपूत राज्य जैसे कि गोगुंडा और बूंदी उसके अधीन थे, पर फिर भी महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के आगे सर नहीं झुकाया। हम सब चेतक के बारे में तो जानते ही हैं कि किस तरह उसने अपने प्राणों का बलिदान देकर महाराणा प्रताप को बचाया, पर उनके पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद, जिसने युद्ध में खूब मुगल सैनिकों को मारा और 2 हाथी को भी मार गिराया, जिस पर अकबर ने राम प्रसाद को बंदी बनाने के लिए कहा और 7 हाथी भेजे। पर राम प्रसाद महाराणा प्रताप का लॉयल था और उसने कभी अकबर के आगे सरेंडर नहीं किया, और 18th डे बिना कुछ खाए पिए शहीद हो गया। ये महाराणा प्रताप का सपना था कि वो चित्तौड़ को मुगल शासन से मुक्त कराएं, जिस पर उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक चित्तौड़ फ्री नहीं हो जाता वो लीफ की प्लेट में खाएंगे और घास पर सोएंगे, जिस पर आज भी कुछ राजपूत अपनी प्लेट के नीचे लीफ और बेड के नीचे घास रखकर सोते हैं महाराणा प्रताप की याद में।